नाम है हमारा और इटावा से रहने वाले। इटावा के दूर है यहाँ से? इटावा वही होगा काम तो 165 के लगभग ही है। अच्छा। क्या तुम जॉब करती हैं आपकी? क्या क्या करती हैं? इटावा में ही जॉब करते हैं और एक बाबू की पोस्ट पर। अच्छा, क्लर्क हैं आप जी। तो दीदी आपको क्या बीमारी थी? हमें डॉक्टर साहब ये फिस्टूला की बीमारी थी और हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बोला कि आपको 3 महीने रेस्ट करना पड़ेगा और आपको काफी दिक्कत होगी, आप कुछ काम चल फिर नहीं सकते, किसी रिलेटिव को बुला लीजिए। तो डॉक्टर साहब काफी टेंशन हो गए। फिर हमने पता किया आपके बारे में, तो पता चला कि आपका इलाज बहुत अच्छा है। फिर आपके पास आए, हमने आपसे इलाज कराया। तो हमने जो आपका इलाज किया, क्या इलाज था, नाम क्या था, पता कुछ? आप सर्जरी थी, क्या किया था डॉक्टर? आपने 6 सूत्र डॉक्टर के नाम से इलाज किया और मेरा बहुत ही मामूली सा एक थोड़ा सा ऑपरेशन टाइप का किया, उससे हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। जो हमने कुछ हाफिज किया पहली बार डाला में डाला जी, वो उसमें कितनी देर का समय लगा कुछ याद है आपको? उसके से डॉक्टर साहब 10 मिनट के हैं। और इलाज के बाद में आपको भर्ती वर्ती किया? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भर्ती नहीं। कोई विमर्श किया आपको? यहाँ पर ही हम आपको दिखाने के बाद यहाँ से दवा डॉक्टर से ले गए, मुझे कोई भी दिक्कत। इलाज के तुरंत मतलब इटावा चली गई जी। इलाज के समय कोई सुन में बेहोशी और कुछ की थी हमने? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ नहीं किया। 5 मिनट के 10 मिनट के इलाज के बाद में आपकी टावा चली गई। पूरे इलाज के दौरान कोई भी आपने आराम किया? नहीं डॉक्टर साहब, कोई आराम नहीं किया, बराबर अपनी ड्यूटी की है और घर का भी काम किया है सब कुछ। हमने आपको इलाज के दौरान कोई एलोपैथिक अंग्रेजी की दवा खिलाई? नहीं डॉक्टर साहब, कोई भी इंग्लिश दवा नहीं खिलाई, सारी दवाइयाँ आपकी लिखी हुई आयुर्वेदिक दवाइयाँ। उन आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं कभी? अच्छा, इलाज के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि आपको आराम करने की आवश्यकता है? इलाज के दौरान कभी आराम करने की आवश्यकता लगी? नहीं लगी। अच्छा, इलाज में हमने आपसे क्या कहा था, कितनी बार आपको आना पड़ेगा इलाज कराने? कुछ याद है डॉक्टर साहब? आपने बोला था कि आप 15 दिन बाद अगर आ जाएंगी तो आपको जल्दी से जल्दी आराम हो जाएगा, और अगर आप ज्यादा टाइम बनाएंगे तो आपको ये दिक्कत जाएगी। कितनी बार आने आई? डॉक्टर साहब 6-7 बार ठीक हो गए। आज आपके इलाज खत्म किए हमको 5-6 महीने हो गए हैं जी। ठीक है, अभी आप फिट हैं बिल्कुल? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल फिट हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने एलोपैथ और एलोपैथी सर्जरी और आयुर्वेदिक छाप दोनों में छाप सूत्र क्यों चुना फिर आपने, एलोपैथ क्यों नहीं चुना? एलोपैथिक से डॉक्टर साहब इलाज काफी लंबा भी था और उससे इतना अच्छा फायदा भी नहीं हो रहा था और उसमें डॉक्टर साहब काफी रेस्ट भी बना। हमारे इलाज करना नहीं पड़ा जी, आपके भी तो इलाज के कोई भी। आपको आयुर्वेद के इलाज पसंद आया? आप कुछ बहुत डॉक्टर साहब बहुत पसंद है। आप कुछ सरकार को बोलना चाहेंगे आयुर्वेद के 6 सूत्र के विषय जी? हम भारत सरकार से यही कहेंगे कि वो सभी जगह 6 सूत्र डॉक्टर का हॉस्पिटल खोले और सभी का मुफ्त इलाज करे, जिससे गरीबों को इस तरह की कोई दिक्कत हो तो वो आ जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।